कि धनंजय कवि का बेटा बाग में खेलते खेलते सर्फ ने डस लिया, और जब सर्फ ने डस लिया वे हरा नीला पड़ गया। बेटे की मां को पता चला, बेटी की मां दौड़ करके आई, बेटे को देखा घबरा गई। उसने अपने पति के पास खबर भेजी, धनंजय कवि के पास खबर भेजी, आपकी बेटी को सर्प ने डस लिया है। लेकिन उन्हें मात्र कहां ध्यान था, प्रभु की भक्ति में लीन थे। भक्ति कर रहे थे, श्रीमती ने जब देखा कि इनके अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा, बेटे को लाई और सामने पटक दिया, संभालो अपने बच्चे को। फिर भी कोई असर नहीं, और ईमानदारी से बताना, यदि आपको पता चल जाए यहां पर बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, आपको पता चल जाए, इनसे पूछने बिजनेसमैनों से कि अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपके पास खबर आ जाए। हम रोज करता है, रोज पूजन करता है, रोज स्वाध्याय करता है, श्रावक केशव आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है, वह धर्मात्मा है। ये श्रावक के कर्तव्य है, ये धर्म नहीं है। धर्म की क्या परिभाषा है, आज परिणति है, वे धर्म है। नहीं तो यहां पूजन करें और घर में जाकर के महाभारत सुन करें। हमने दो प्रतिमाओं के व्रत लिए हैं, तब से मेरे घर में महाभारत शुरू हो गया। संयम शांति के लिए है कि अशांति के लिए है? हमें जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है। क्रोध कब आता है? जब सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को नहीं मानता है। अरे भाई, आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं, एक बार समझा दो, दो बार समझा दो, तीन बार समझा दो, यदि सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है तो कहा है मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्तौ वाले के साथ मध्यस्थ हो जाना चाहिए। लेकिन हम उसी में लगे रहते हैं कि हमारा कहना सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं मानता है, अहंकार आ जाता है, और उसी अहंकार के कारण से संतोष की जगह असंतोष हो जाता है।